नमस्कार लियो, लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस इन दिटैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो लियो इसमें हम सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर एक दूसरे से लियो और लियो के पर्सन क्या चाहते हैं वो देखने वाले हैं, और इसका आउटकम और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं लियो को लेकर। लियो के पर्सन की लियो को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें वापस आने के लिए रुककर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर वो बिगनिंग शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता फिर से एक हो सकता है। या फिर वो अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लियो के जो पर्सन हैं उन्हें पहले सोच विचार करके रुक कर ठहर कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, कि यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं कि लियो के पर्सन लियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है लियो को लेकर। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड एट ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा फाइट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही है, वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। जो लियो है, लियो के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि लियो को उन चीज़ों से, उस ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, या उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों से उन्हें लेट गो करना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक जब तक इस रिश्ते में बने रहेंगे परेशानी बाधाएं दिक्कतें आती रहेंगी, और इस रिश्ते में उन्हें चाहे वो अपने पर्सनल अपने घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी इस रिश्ते में परेशानी दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं से ही फिलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए। और जिस चीज़ों को वो सोच सोच कर इस रिश्ते को बोझिल बना रहे हैं, भारी भरकम बना रहे हैं, उनको लग रहा है अननोन फियर जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो महसूस कर रही हैं कि जब तक लियो इस अननोन फियर से बाहर नहीं निकलेंगे तो तब तक इस रिश्ते में बाधाएं पनौतियां दिक्कतें आती रहेंगी, और उन्हें इन अननोन फियर से डरना नहीं चाहिए, उन्हें इनसे बाहर निकलना चाहिए। और क्योंकि जब तक वो डरेंगे घबराएंगे, ये जो अननोन फियर है वो उनका खुद का बनाया हुआ है, तो वो इस अननोन फियर से बाहर निकले और वो ये ना महसूस करें कि उनके साथ कोई धोखा हुआ है, फ्रेब हुआ, छल कपट हुआ है। तो बजाय कि वो दूसरे पर्सन की बातें मानने के, वो आपस में खुल कर बातें करें, एक दूसरे से बातें करें ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और रिश्ते में दोबारा से एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सके। तो वो यही महसूस कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें इस अननोन फियर से अननोन फियर से जो वो डरावने सपने देख रहे हैं जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि रिश्ता पनौती बन रहा है, बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते उसे लड़ाई झगड़ा एंजाइटी स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट से इनसे बाहर निकलना पड़ेगा और उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर
इन चीज़ों को छोड़कर इस रिश्ते से निकलकर उन्हें नए रास्ते की तरफ, पहले अपने दूसरे काम की तरफ यानी कि पैसे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर उनके पास पैसा होगा तो उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, तो या तो वो नए रास्ते की तरफ रुझान करें या फिर इस अननोन फियर से, इस डरावने सपनों से वो बाहर निकलें और इसमें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर ऐसा वो अपने पर्सन के लिए यानी कि जो लियो के पर्सन हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से लेट गो कर देना चाहिए। जब तक लड़ाई झगड़ा बाधाएँ होती रहेंगी, पनौती आती रहेगी और वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस रहेगा, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए उन्हें उन रिश्ते नातों को, उस जगह सिचुएशन को, उस जो बिजनेस करियर को छोड़ना पड़ेगा जो उनके लिए सही नहीं है, बाधाएं परेशानियां दिक्कतें ला रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जो लियो है वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। देख लेते हैं कि लियो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं लियो को लेकर, लियो की फीलिंग्स क्या हैं लियो को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लियो महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो अचानक से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अनएक्सपेक्टेडली अचानक से सडनली उनके पास इस रिश्ते में वो जाने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो अचानक से उनके पास जाएंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या फिर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो या तो उन्हें वो सरप्राइज टाइप कुछ करना चाह रहे हैं या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर थोड़ा सा जो जल्दबाजी है उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर सामने वाला जल्दबाजी भी करता है तो उन्हें समझाना चाहिए कि थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें, तभी आप आगे बढ़ें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ सोर्स को कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअली में। लियो अपने पर्सन के बारे में क्या चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो लियो हैं वो अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि लियो को इस रिश्ते में वापस आने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें मतलब उन चीज़ों से लेट गो करना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बर्बादी हुई है, काफ़ी परेशानियां हुई हैं, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन भी इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आमने सामने खुलकर कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी के साथ बातें करनी चाहिए, दिल से ना सोचकर उन्हें दिमाग से काम लेना चाहिए कि वो उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो अगर इस इन चीज़ों इस कम्युनिकेशन के लिए अगर बहुत लंबे समय से वो आपस में मिल नहीं पाए हैं तो वो उनसे मिलें, या फिर मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो इस रिश्ते को खुलकर, रिश्ते के बारे में खुलकर बातें करें, और इस काम को करने के लिए वो परिवार की मदद ले सकते हैं, फैमिली की मदद ले सकते हैं, या फिर अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार बना सकते हैं। तो अचानक से जो लियो हैं वो वापस इस रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियां होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा वो अपने बारे में भी सोच सकते हैं और अपने पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, वो जो चीज़ें वो अपने बारे में सोच रहे हैं वो वही चीज़ें वो ये भी फील कर सकते हैं कि उनको सोचना चाहिए जो लियो के पर्सन हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देख लेते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं, लियो और लियो के पर्सन एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो इसमें पहले देख रहे हैं कि लियो के पर्सन क्या चाहते हैं।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लियो के पर्सन महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो इस जो वो दोराहे पर खड़े हुए हैं, क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा दो कदम पीछे हटे, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, आंखों से पट्टियां खोले और जो भी रास्ता उन्हें अच्छी दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है उनका, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड, उस रास्ते की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाए। वो कन्फ्यूज़न में, दुविधा में ना रहे, जब तक वो कन्फ्यूज़न दुविधा में रहेंगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर वो ऐसा अपने बारे में भी फील कर सकते हैं, खुद के पर्सन से भी चाह सकते हैं जो लियो हैं उनके लिए, कि लियो को पहले इस क्रॉस मार्क से पीछे हटना चाहिए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोल कर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो जो लियो के पर्सन हैं वो लियो से चाहते हैं कि वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, वो इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करें इसमें, वो ज़्यादा बोले नहीं, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें और अपना जो भी इंट्यूशन पावर के साथ अपना विजडम नॉलेज गेन करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करें, कुछ चीज़ें उन्हें यूनिवर्स के भरोसे भी छोड़ देनी चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस क्रॉस मार्ग से पीछे हटेंगे तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है और नेम और फेम हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्रिएटिव लाइफ उनकी हो सकती है, तो सब तरह की खुशियां इस रिश्ते से मिल सकती हैं। अगर वो एक बिगनिंग करेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल ये रिश्ता होगा, तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें जल्दबाजी, उन्हें सोच विचार करके, इस रुक कर, ठहर कर, इस क्रॉस मार्ग से दो कदम पीछे हट कर, आंखों से पट्टियां खोल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, इंट्यूशन पावर के साथ वो विजडम नॉलेज गेन करेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे कि यूनिवर्स जो करेंगे ठीक करेंगे, तो वो इस रिश्ते में अबंडेंस आएगी, खुशियां आएंगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। देखते हैं कि अब जो लियो हैं वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो जो लियो हैं वो या तो खुद दुविधा में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हो सकता है उनके पास दो ऑप्शन है कि उन्हें पहले प्यार की तरफ आगे जाना चाहिए, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, या फिर उन्हें पहले जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचना चाहिए, पैसे के बारे में सोचना चाहिए, तो वो अभी जगलिंग फेज में है, और या फिर वो मैं अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जो भी उनके पास जो दो ऑप्शन हैं उनमें से जो भी ऑप्शन वो एक्सेप्ट करेंगे वही उनके लिए ठीक जा सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है, तो सोच विचार करके वो इसमें डिसीजन लें, जिग जैग ना करें, तो वो ऐसा अपने लिए भी आप महसूस कर सकते हैं और अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, अब लियो है अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, इस रिश्ते में कुछ भी ऐसा राज मिस्ट्री नहीं होना चाहिए जो उनसे छिपा कर रखा गया हो। अगर क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो जो ये रिश्ता उन्हें बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लग रही है, वो चीज़ें अगर यूनिवर्स जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक बिगनिंग कर लेते हैं, इस जिग जैग से, इस जगलिंग फेस से अगर वो बाहर निकलते हैं, जो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी उन्होंने बनाई हुई है
कि कभी वो सोच रहे हैं जॉब बिजनेस की तरफ जाया जाए, कभी वो महसूस कर रहे हैं कि पहले उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो एक मन एक विचार करके अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसमें एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। जो परेशानियां दुविधाएं थी, जो ये बोझ लग रहा था, ये रिश्ता, ये बर्डन लग रहा था, वो रिश्ता, वो चीज़ें एक नया मोड ले सकते हैं, एक नया मोड, एक नया अंजाम लेने की तैयारी में हो सकते हैं। वो लियो के वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दे, बजाय कि इस रिश्ते को एक बोझ बर्डन समझने के। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसका आउटकम क्या रहेगा। स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं वो, उनको लग रहा है कि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो लियो ने किया है ना उनके पर्सन ने किया है, और दोनों तरफ ही चोट लगी है, दोनों तरफ ही नुकसान हुआ है, और दोनों तरफ ही वो अब भी अंदर से चोटिल है। तो वो कोई एक जना महसूस कर रहा है कि अगर इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से वही खुशियां आ सकती हैं जो इस रिश्ते में स्टार्टिंग में पहले हुई थी। तो वो रुक कर ठहर कर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व कर रहा है। या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही ऐसा सोचा जा रहा है कि दुख परेशानी जो भी दुविधा हुई है रिश्ते में, जो भी कष्ट हुए हैं, वो दोनों ने झेले हैं, किसी एक की गलती नहीं है। तो इसमें स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, इसमें एक रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 of Wands को। तो 3 of Wands, 4 of Swords एंड जस्टिस। तो इसका जो आउटकम है वो मैं इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रही हैं, दोनों को ठेस पहुँची है, लियो को भी और उनके पर्सन को भी। तो अभी सबसे पहले वो महसूस कर रहे हैं, कोई एक जना सोच रहा है कि अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा वो उन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हार चुके हैं, वो थक चुके हैं इस रिश्ते की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिससे वो बाधाएं दिक्कतें आ रही थी, तो उन चीज़ों से वो थक चुके हैं। तो अभी वो अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, आराम करना चाह रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो रिलैक्स करेंगे अपने आप को, आराम देंगे और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जब उनको लगेगा कि वो रिलैक्स कर चुके हैं, वो अब ठीक हैं, तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें तभी इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाह रहे हैं। जस्टिस दिखाई दे रहा है, न्याय मिलता दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते में स्टैंड लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि अभी वो हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, और वो अभी चाहते हैं कि जब तक समय सही नहीं आ जाता, जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक वो उस चीज़ों का वेट करें, इंतज़ार करें, और सही समय आने पर वो इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं, इसमें न्याय उन्हें मिले, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और आगे कोई ऐसी गलती ना हो कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में वो जस्टिस आ रहा है, न्याय न्याय मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि अभी सही समय, सही वक्त नहीं आया है उन चीज़ों के लिए। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है। रिजल्ट फेवर में दिखाई दे रहा है कि उनके फेवर में होगा, चीज़ें सही होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन अभी
वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। द टावर, टेन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वंड्स। जी यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो जो परेशानियां दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, चीज़ें बोझिल बन रही हैं, रिश्ता भारी भरकम बन रहा है, लग रहा है दोनों को कि चीज़ें पॉजिटिव हो ही नहीं रही हैं, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ खराब होता जा रहा है, तो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर भी सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था, तो सब चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, तो समय के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेशेंस रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और उन्हें एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिनके साथ उन्हें परिवार के जैसी, फैमिली के जैसी वाइब्स आती हैं, खुशियाँ मिलती हैं। और वो अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं इस भावना से कि वो भले ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से अगर वो बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, फिर से रिश्ता एक हो सकता है। वो उनके साथ घूमें फिरें, मौज करें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, दुविधा में ना रहें, चीज़ों को भारी भरकम ना बनाएं, उथल पुथल ना करें चीज़ों को, और एक दोस्ती की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से इस जो इमैच्योर एनर्जी है, जो नई एनर्जी है, उसके साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता अच्छा जाएगा। शुरुआत होगी, अभी छोटी शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, पॉजिटिविटी आएगी और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।